मैं डॉक्टर अलीशा और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल एनीवन कैन कुक विद डॉक्टर अलीशा में। आज हम आलू गोभी की एक बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट सी रेसिपी बनाएंगे जो कि है मुगलई आलू गोभी। और एकदम डिफरेंट रेसिपी है ये, और इसमें हम बहुत सारे फ्लेवर्स ऐड कर रहे हैं जिससे हमारी रूटीन की बोरिंग सी आलू गोभी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाएगी। तो फटाफट से अपनी इस टेस्टी सी रेसिपी को शुरू करेंगे, और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल को ज़रूर बजाइएगा ताकि मेरी सारी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें। तो इस बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट सी आलू गोभी को बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी इस आलू और गोभी को थोड़ा उबाल लेंगे। तो उसके लिए एक पतीला लिया है मैंने यहाँ, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, और साथ ही में इस पानी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच नमक। इस पानी को अब हम हाई फ्लेम के ऊपर उबाल लेंगे। पतीले को मैं ऊपर से ढक दूंगी ताकि पानी में जल्दी उबाल आना शुरू हो जाए। तो पानी में उबाल आना शुरू हो गया है, अब हम गैस को कर लेंगे मीडियम और इसमें डालेंगे ये आलू। तो एक बड़े साइज़ का आलू लिया है मैंने यहाँ, जिसे इस तरह के बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। इस आलू को हम डाल देंगे इस उबलते हुए पानी में। तो पहले हम अपने इस आलू को 1.5 से 2 मिनट तक उबाल लेंगे और फिर इसमें हम गोभी डालेंगे। तो आलू को मैंने 1.5 से 2 मिनट तक उबाल लिया है, अब हम इसमें डाल देंगे ये गोभी। तो मैंने आज यहाँ 1/2 किलो गोभी ली है और इसे इस तरह के बड़े बड़े फ्लोरेट्स में कट कर लिया है। अब हम इसे डाल देंगे इस उबलते हुए पानी में, और इस गोभी और आलू को अब हम मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक उबाल लेंगे, या तब तक जब तक कि ये 40% तक कुक ना हो जाएं। तो 5 से 7 मिनट तक गोभी को उबालने के बाद अब हमारी ये जो गोभी है ये अच्छे से साफ़ भी हो गई है और ये थोड़ी पक भी गई है। तो कैसे पता चलेगा कि हमारी गोभी अच्छे से पकी है या नहीं? तो उसके लिए जब आप एक फ्लोरेट को इस तरह से चाकू से तोड़ कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये ईजिली कट जाएगा। इसका मतलब है कि हमारी गोभी थोड़ी पक भी गई है, बट अभी भी ये पूरी तरह से नहीं पकी है। इसी तरह से हम अपने आलू को भी चेक कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये इजीली कट रहा है, इसका मतलब है कि हमारी ये जो सब्ज़ी है ये तकरीबन 40-50% तक पक चुकी है। बस अब हम इसे निकाल लेंगे इस गर्म पानी से और एक प्लेट में रख लेंगे। तो इसके बाद अब हम चलेंगे अपनी ग्रेवी को बनाने के प्रोसेस में। तो उसके लिए एक ग्राइंडर जार लिया है मैंने यहाँ, और इसमें हम डाल देंगे टमाटर। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए मैंने यहाँ, जिसे इस तरह के बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 3 लहसुन की कलियाँ। मेरी ये लहसुन की कलियाँ थोड़ी ज़्यादा मोटे वाली हैं तो मैंने 3 यूज़ की हैं। आप चाहें तो इसमें 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ऐड कर सकते हैं। और साथ में मैं डाल रही हूँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और 2 हरी मिर्च डाल देंगे हम इस तरह से हाथ से तोड़कर। और इसे अब हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। और इसके बाद अब हम लेंगे एक कढ़ाही और इसमें डालेंगे 4 से 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल। मैं आज यहाँ सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आलू गोभी सरसों के तेल में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बट अगर आप चाहें तो इसमें नॉर्मल तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने यहाँ सरसों का तेल यूज़ किया तो इसे हमें पहले पूरे अच्छे से गर्म करना होगा जब तक इसमें से इस तरह से धुआं ना निकलना शुरू हो जाए। तो तेल में से अब धुआं निकलना शुरू हो गया है, गैस को अब हम कर देंगे लो और इसमें डालेंगे ये प्याज। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए मैंने यहाँ, जिसे इस तरह की पतली पतली स्लाइसेस में कट कर लिया है, और उसके बाद इसकी लेयर्स को मैंने अलग कर लिया है। तो सबसे पहले हम अपने इस प्याज को तलेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बिरयानी के लिए अपना फ्राइड अनियन बनाते हैं तला हुआ प्याज, बिल्कुल वैसे ही आज हम अपनी आलू गोभी के लिए बनाएंगे। तो इस तरह से कुछ स्लाइसेस डाली हमने अपने इस प्याज की, और अब हम इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर तल लेंगे तब तक जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो इस तरह से बीच बीच में हम इसे चलाते जाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद आप देख रहे हैं कि प्याज का जो कलर है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। बस हमें इसे इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे क्योंकि बाहर आने के बाद भी ये जो प्याज है वो हल्का सा कलर चेंज करेगा, क्योंकि प्याज में अपनी कैरी ओवर कुकिंग बहुत होती है। तो इस तरह से अब हम इसे निकाल लेंगे, अच्छे से साइड से स्क्वीज़ करते हुए निकाल लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा जो तेल है वो सारा निकल जाए। तो इसी तरह से मैं बाकी का बचा हुआ प्याज भी तल लूँगी। तो प्याज को तलने के बाद अब हम इस बचे हुए तेल में अपनी आलू और गोभी को भी फ्राई कर लेंगे। ये वाला स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप अपनी आलू गोभी को फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप उसे बिना फ्राई किए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो उबली हुई आलू और गोभी हमने रखे थे एक प्लेट में साइड पर, उसे हम डाल देंगे इस गर्मा गर्म तेल में। बस हम इसे इतने से ही तेल में फ्राई कर रहे हैं, बिल्कुल डीप फ्राई हमें नहीं करना है। मैं हल्का सा इसे शैलो फ्राई ही कर रही हूँ। ऐसा करने से बस हमारी ये जो आलू गोभी है ना, इसमें और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, और मुझे फ्राइड आलू गोभी बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने इसे हल्का सा तल लिया है। तो इस तरह से लो मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसे हल्के से स्पॉट्स आने तक फ्राई कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि गोभी के ऊपर हल्के हल्के से ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं, बस हमें इसे इतना ही तलना है। बस अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो इस तरह से साइड से स्क्वीज़ करते हुए निकाल लेंगे हम अपनी इस आलू गोभी को ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए, और इसे रख लेंगे एक प्लेट में। और अब हम इस बचे हुए तेल में बनाएंगे अपनी ग्रेवी। अगर आपके पैन में थोड़ा तेल कम रह गया है तो आप इसमें और तेल भी ऐड कर सकते हैं। तो तेल हमारा पहले से ही गर्म है, इसमें अब हम सबसे पहले डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 तेज़पत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 हरी इलायची, 3 लौंग और 1 बड़ी इलायची।
इन खड़े मसालों को अब हम लो फ्लेम के ऊपर कुछ सेकंड्स के लिए पका लेंगे ताकि इनका फ्लेवर हमारे तेल में आ जाए। तो कुछ सेकंड्स तक इन्हें पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अपना ये मसाला जिसमें हमने टमाटर, अदरक और लहसुन को पीस के रखा था। तो इसे मैं डाल दूंगी इस गर्मा गर्म तेल में और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे अपने सारे सूखे मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बट मैंने यहाँ एक छोटा चम्मच नमक इसमें ऐड किया है। साथ में हम इसमें डाल रहे हैं 3 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे हमारी इस आलू गोभी में कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो इन सूखे मसालों को अब हम मिक्स कर लेंगे और इस टमाटर को अब हम लो मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तो 2-3 मिनट तक टमाटर को पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे दही। तो 1/4 कप दही यूज़ की है मैंने यहाँ, और ध्यान रखिए कि इसमें हमें ताज़ी दही यूज़ करनी है, दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। और दही को डालने से पहले हम इस तरह से इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है, अब हम इसे डाल देंगे अपने टमाटर में और इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम पैन को ऊपर से ढक देंगे और इसे हम लो मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, या तब तक जब तक इसमें से जो तेल है वो पूरा अच्छे से अलग ना हो जाए। तो जब तक हमारा ये टमाटर पक रहा है तब तक हम अपने ये जो प्याज हमने पहले फ्राई करके रखे थे उसका पेस्ट बना लेंगे। तो जिस ग्राइंडर में हमने अपने टमाटर को पीसा था उसी में मैं ये अपने प्याज डाल रही हूँ। तो साथ ही में मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी ताकि इसे अच्छे से ग्राइंड कर सकें। तो प्याज का पेस्ट हमने बना लिया है, अब हम चलेंगे अपने टमाटर की तरफ। तो 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए और आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो ऑयल है वो काफ़ी अच्छे से आ गया है। इसका मतलब है कि हमारा ये जो टमाटर और दही है ये काफ़ी अच्छे से पक गई है। तो अब हम अपनी इस ग्रेवी में ऐड करेंगे ये प्याज का पेस्ट जो हमने अभी बनाया है। तो इस प्याज के पेस्ट को भी ऐड कर दिया मैंने इस ग्रेवी के साथ। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे अब हम लो मीडियम फ्लेम के ऊपर ढककर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। वैसे तो हमारी ये ग्रेवी पूरी अच्छे से तैयार है, बट सारे फ्लेवर्स एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएं इसलिए हम इसे 1-2 मिनट तक और पका रहे हैं। तो 2 मिनट तक इस ग्रेवी को पकाने के बाद अब हमारी ये जो ग्रेवी है ये बिल्कुल अच्छे से तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी ये आलू और गोभी जो हमने पहले थोड़ी बॉईल की थी और उसके बाद हल्की सी फ्राई की थी। तो इस आलू गोभी को भी डाल देंगे हम अपने इस मसाले में और इसे अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो इसे पूरे अच्छे से मिक्स किया मैंने और इसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा पानी, तकरीबन 1 से 1.5 कप, क्योंकि आज की इस आलू गोभी को हम ग्रेवी वाला बनाएंगे। तो पानी की जो क्वांटिटी है वो आप अपनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है हमें अपनी इस ग्रेवी की। अब हम पैन को ढक देंगे और इसे हम लो फ्लेम के ऊपर 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे, या तब तक जब तक कि हमारी ये जो आलू और गोभी है ना ये पूरे अच्छे से पक ना जाए। तो 7 से 8 मिनट तक इसे पकाने के बाद हमारी ये आलू गोभी अब पूरे अच्छे से पक गई है। अब एंड में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस टाइम तक अगर आपकी आलू या गोभी थोड़ी कच्ची रह गई हो तो आप इसे थोड़ी और देर तक भी पका सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट सी मुगलई आलू गोभी तैयार है। आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है इसकी और अब हम अपनी इस गोभी को सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आपको आज की ये आलू गोभी की डिफरेंट सी रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइएगा और इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड आई एम श्योर कि आपके घर में ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।